एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान आज होगा दोपहर 12 बजे। चुनाव आयोग हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। खबर है कि हरियाणा में एक ही चरण यानी कि सिंगल फेज में चुनाव आयोग इलेक्शन करा सकता है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि चुनाव के परिणाम दिवाली से पहले आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होगा यानी कि दिसंबर के महीने में चुनाव होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है और आज महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी बिगुल बजेगा। 12 बजे इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ही महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 है। हरियाणा में बताया जा रहा है कि सारी 90 सीटों पर सिंगल फेज यानी कि एक ही चरण में चुनाव कराया जा सकता है। महाराष्ट्र का भी आने वाले समय में पता चलेगा, जिस तरह से हमेशा की तरह हरियाणा में होता है कि सिंगल फेज में चुनाव होता है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 12 बजे ये पता चलेगा, जो कई समय से कयास लगाए जा रहे थे दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर, वो सारे कयास आज खत्म हो जाएंगे। अब से ठीक 1.5 घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें यह बताया जाएगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा महाराष्ट्र और हरियाणा में। हरियाणा में 90 सीटें हैं। आपको बता दें 2014 की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 47 सीट मिली थी और 2014 ही वो साल था जब बीजेपी अपनी बहुमत के साथ पहली बार हरियाणा में अपनी बहुमत के यानी कि अपने दम पर सरकार बनाई थी। अब महाराष्ट्र का समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे, 2014 वो साल था महाराष्ट्र में जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ नहीं लड़े थे। 122 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 122 किसी को बहुमत तो नहीं मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी ही सामने आई थी, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी और इसीलिए चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों में गठबंधन हो गया था। इंडिया